सारनाथ थाना अंतर्गत पहाड़िया में एक युवती से दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूली का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं युवती की निशानदेही पर पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सिगरा थाना अंतर्गत पिचाश मोचन कुंड में तैरता हुआ एक युवक का शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को पानी से निकलवाकर कब्जे में लिया और छानबीन शुरू की। मृतक की शिनाख्त लल्लापुरा के रहने वाले आजिम के तौर पर हुई है। घटना को लेकर परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। लल्लापुरा, ये कौन है आपके भाई? हमारा बड़ा है, छोटा? छोटा। क्या नाम है? आजिम नाम है। आजिम कैसे, ये मतलब क्या हुआ? मतलब ये कल बड़ा वाला भाई जहाँ ये काम कर रहा था, तो बड़ा वाला भाई गया उसके पास पैसा लेने, तो गाली गुट्टा करके उससे पैसा लिया। और जब ये पैसा लेने पहुँचे तो क्या नाम से वो बोला कि तुम्हारा बड़ा वाला भाई तो गाली गुट्टा भर के पैसा ले गया। वही गुस्से में कल सुबह 12 बजे से गायब है। कल सुबह 12 बजे गायब है? हाँ। क्या थाने में कुछ प्रातः पत्र नहीं? रात भर खोजे, मिले नहीं है। अच्छा। यहाँ तक सुबह भी आए। अच्छा, सुबह आ चुके लेकिन देखे लाश हमको दिखा नहीं। तो कैसे पता चला आपको यहाँ पे? यह भैया जो अभी साइकिल से आए थे ना, वो हमको बताए कि एक लाश वहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, वो बताए कि लाश देखे तो आपके ये भाई रहते? ये हमारे भाई हैं। क्या नाम है भाई का? आजीव। मीरघाट की घटना में वांछित 25,000 की नामी ने पुलिस को चकमा देते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत में सरेंडर कर दिया। दशाश्वमेध थाना के मीरघाट निवासी विजय यादव को मारने पहुंचे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसमें 5 लोगों को गोली लगी थी। घटना के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। जनपद व आसपास के क्षेत्र में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शुक्रवार की शाम वाराणसी में कुछ समय के लिए झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में लगभग 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 2-3 दिनों तक वाराणसी में ऐसा ही मौसम रहेगा और अच्छी बारिश होती रहेगी। बेलोपुर क्षेत्र के रविंद्रपुरी में आम जन सीवर की समस्या से त्रस्त हैं। बताया जा रहा है कि यहां महीनों से मुख्य मार्ग पर सीवर का पानी भरा हुआ है। इस मार्ग पर आए दिन शासन, जिला प्रशासन सहित VVIP लोगों का आना जाना होता है। इसके बावजूद भी 3 माह से मुख्य मार्ग पर सीवर का पानी जमा है। इस जल जमाव में धीरे धीरे अब मच्छर भी पनपने लगे हैं, जिससे बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। रेजिडेंस है और इसमें सीवर की प्रॉब्लम हमेशा रही है। बड़ा वाला जो पीछे सीवर था वो ब्लॉक हो गया और मोटर की जब उनको कंप्लेन करो मोटर भेज देते हैं और फिर वो कहते दूसरों पे प्रॉब्लम डाल देते हैं कि ये PWD वालों की प्रॉब्लम है, ये नगर निगम वालों की प्रॉब्लम है। और हम लोग ग्रुप में भी जाके और सब जगह जाके इन राइटिंग कंप्लेन दे के अखबारों में निकलवा के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और ये बड़े आई एम सॉरी टू से कि बड़े शर्म की बात है कि मेन रोड VIP रोड में रोज यहीं से गुजरते होंगे, लेकिन उनको होश नहीं है। हमारे कंप्लेन करने के बावजूद भी ये हाल है, जो बीमारी का घर बन गया। कबीर प्रकाट्य स्थल पर 8 करोड़ से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जन्मस्थली का सुंदरीकरण व विकास कार्य हो रहा है। कबीर मठ के महंत के हस्तक्षेप के बाद पर्यटन विभाग ने निर्माण कार्य के डिजाइन में बदलाव का निर्णय लिया है। अब लहरतारा तालाब की ओर से प्राकट्य स्थल में प्रवेश होगा। तालाब की दूसरी तरफ निकास के लिए अलग द्वार बनाया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ वाराणसी पुलिस एक्शन मोड में है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल शुक्रवार को सड़क पर उतरे। पुलिस कमिश्नर ने शुक्रवार को 2 गोदौलिया और दशाश्वमेध तक पैदल गश्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया। उन्होंने सड़क पर दुकानों के रखे सामान इत्यादि को हटवाते हुए अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी। शहर में सड़कों की खुदाई करने से पहले पुलिस को भी सूचित करना होगा। ऐसा न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कराएगी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। दरअसल शहर में सुगम यातायात की जिम्मेदारी पुलिस महकमे के पास है। विभागों की ओर से निर्माण व विकास कार्यों के नाम पर सड़कें खोदी जाती हैं। इसकी वजह से यातायात प्रबंधन में लगी पुलिस को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। स्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन के लिए श्री यंत्रकार रथ पर सवार होकर कल काशी की गलियों में निकलेंगे। काशी राज परिवार के सदस्य प्रभु का रथ खींचेंगे। 6 जुलाई को भगवान जगन्नाथ दर्शन देने के लिए निकलेंगे। वहीं 7 जुलाई से 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला शुरू होगा। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का रथ शीशम की लकड़ी से श्री यंत्र के आकार का बना हुआ है।
मौसम का रुख बदलते ही सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। बनारस में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। शहर के विशुषगंज, पहाड़िया, चंदवा, सट्टी, सुंदरपुर, राजा तालाब मार्केट में सब्जी खरीदने आए लोगों के माथे पर दाम सुनकर पसीने छूटने लगे। सब्जियों की महंगाई का आम जनमानस पर असर खूब देखने को मिल रहा है। सब्जी के थोक विक्रेताओं का कहना है कि गर्मी के कारण सब्जियों की पैदावार कम हो गई है, वहीं बारिश में आवक भी कम है। आलू है, प्याज है, सभी चीज महंगा है। पहले क्या था, अब क्या है? पहले कुछ डाउन था, अब थोड़ा पानी बरसने का सब्जी कम हो गया है, एक रोजा से महंगा हो गया है। खास क्या क्या है, पहले महंगा से अब महंगाई में खास क्या है रेट में? रेट में पहले प्याज 30 रुपये किलो था, 50 रुपये किलो हो गया है। आलू पहले 20-25 रुपये किलो था, वो 35-40 रुपये किलो हो गया है। टमाटर 80 रुपये किलो हो गया, 100 रुपये किलो हो गया है। लहसुन भी 200-250 रुपये किलो लहसुन हो गया है। दुकान हम चनुआ सट्टी में लगाते हैं, घंटी मिल चौराहे के पास में। सब्जी में क्या अंतर आई है महंगाई के लिए? महंगाई सर चरम सीमा पर हो गया है। प्याज आलू देख लीजिए, आलू पहले 20 रुपये किलो मिलता था, 25 रुपये किलो मिलता था, अब 40 रुपये किलो हो गया है। और प्याज देख लीजिए, 20 रुपये 25 रुपये किलो था, अब हो गया है 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो हो गया है। और परवल हो गया 40 रुपये 50 रुपये किलो हो गया है, जो 20 रुपये किलो मिलता था 15 रुपये किलो तक हो गया था, फिर बाद में महंगा हो गया है बारिश की वजह से। लू की वजह धनिया टमाटर सब चीज़ के महंगाई हो गया है। अदरक देख लीजिए 200 रुपये किलो हो गया है, पहले क्या था 120 रुपये किलो था, अब 200 रुपये किलो हो गया है। लहसुन पहले 120 रुपये किलो, 130 रुपये किलो था, अब क्या हो गया है 200-250 रुपये किलो हो गया।